हेलो दोस्तों, आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। ये जो देख रहे हैं वो है फिश बाउल, जो हम नॉर्मली घर में पहली बार लेकर आते हैं और उसे रखते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो टूट जाता है और आपको दोबारा से लेना पड़ता है। इसलिए उसको रखने का जो सही तरीका है वो उसके स्टैंड पर ही उसे रखना चाहिए, क्योंकि जो नीचे का सरफेस है वो अच्छी तरीके से नीचे रखने से वो कवर नहीं हो पाता और उससे आपका बाउल टूट जाता है। इसलिए हमें मार्केट से फिश बाउल का स्टैंड लेकर आना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, ऐसा स्टैंड आपको एक्वेरियम शॉप में कहीं पर भी मिल सकता है और आप वो बाउल लेने के बाद ये स्टैंड भी लेना चाहिए, जो कि प्लास्टिक का होता है और उसको रखने के लिए उसमें अच्छी तरीके से जगह बनाई हुई होती है और आप इसको कहीं भी रख सकते हैं। देखिए, हम उसे रख के दिखाते हैं आपको बाउल। ये देखिए, स्किप नहीं होगा और उसके साथ आपको कैप भी लेनी चाहिए। ये देखिए, बाउल की कैप है जो हम उसके ऊपर अभी लगाने वाले हैं। बाउल की कैप को ऊपर लगाने के बाद बाउल का लुक चेंज हो जाएगा और वो अच्छा दिखने लगेगा। ये देखिए, हमने बाउल की कैप और नीचे का स्टैंड भी लगा दिया है। इसी तरह आपको भी बाउल की कैप और स्टैंड लेना चाहिए और उस बाउल को लगा देना चाहिए। इसकी वजह से आपका बाउल सेफ रहेगा और बार बार टूटने से बचेगा।